गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और फिलहाल आपको पता है कि मैं अभी गांव में हूं और आपको दिखाता हूं गांव वाला घर, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी आप सामने देख रहे हो, ये भैंस बंधी है अपनी दो, और एक ये पड़िया, एक छोटी सी जेंगरी। लैट्रिन बाथरूम, ये गेट, और ये देखो इसमें ये लग रहे हैं गुलाब के फूल, और ये बेल, ये अंगूर की बेल है, और ये देखो अंगूर लग रहे हैं, अंगूर की बेल ये घर में लग रही है। और ये छोटी सी किचन, एक रूम ये है, ये बाइक खड़ी है, इसमें चक्की लगा रखी है, ये घास कूटने की व्यवस्था, और सारा गेहूँ सरसों इधर। एक रूम ये है जिसमें भैंस का चारा वहाँ रखते हैं। ये दो रूम ये सामने, ये पूरा बरांडा, टीवी इधर, पानी ये भैंस के लिए बांट, दूध ठंडा हो रहा है। ये दो रूम है, एक ये रूम है, अभी बना हुआ है ये घर, तो इसमें काम बाकी है। एक रूम ये है, अभी आपको ले चलते हैं फिर दोबारा से अपने खेतों की तरफ भैंस को लेके। कडोला भैंसन कुंडा टेरियो आप परे, ढोला भैंसन कुंडा टेरियो आप परे। दोस्तों जब तक यहाँ रहना है गांव में, जब तक भैंसे लेके और बांधने के लिए जाना है आम के पेड़ के नीचे, तो अभी आए हैं भैंस बांधने के लिए, लगभग 10 बज रहे हैं। तूफान आ गया, तूफान तूफान, गुड़िया पेड़ टूटा तो है। तूफान आ गया, तूफान गांव में, तूफान पेड़ टूटने वाले हैं। कौन के सन खतरनाक।